हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को डेरिवेटिव जो चैप्टर है वो हार्ड जाता है? सो आज के इस वीडियो के अंदर आपके जो डेरिवेटिव के जो मार्क्स है वो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। देन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग डेरिवेटिव का आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर चले जाना है। सो यहां पर पहले वीडियो देख लीजिए एंड देन ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर चले जाना है। सो सिंपल से इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहां पर देखिए कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर इसे कर दीजिए इरेज। सो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर इरेज कर दीजिए एंड देन यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन देख सकते हो जो कि है डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव प्लस उसके साथ ही आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक भी टर्म दिखाई देती है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करता हूँ। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। सो मैं यहाँ पर देखिए लॉग डालता हूँ, लॉग एंड देन यहाँ पर फ्री ब्रैकेट डालूंगा एंड फिर से एक बार ब्रैकेट डालूंगा एंड देन डालूंगा कॉस एक्स। सो सिंपल से कॉस एक्स डालने के बाद फिर इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज जैसा कि क्वेश्चन में है एंड देन फिर से यहाँ पर आपको डिवाइड का साइन देना है। देन आपको क्या करना है, फिर से एक ब्रैकेट को ओपन कर लेना है एंड देन यहाँ पर जो सम है उसे डाल देना है। सो देखिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको डालना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डाल दिया एंड अभी हम लोग कर देंगे सिंपल से गो के ऊपर क्लिक। आपको एक बार चेक कर लेना है ये बराबर डाला हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो आई इन का मतलब होता है लॉगरिथमिक टर्म। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। सो देन हम गो के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन गो के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत समझने का ज़रूरत है। सो यहाँ पर क्या कीजिए, आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, आपको सिंप्लीफाई के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आंसर मिलेगा एंड देन सिंप्लीफाई के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माइनस सेक एक्स जो है वो आंसर आ गया है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग यहाँ पर इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो एंड अगर आपको डेरिवेटिव हार्ड जाता है तो आप लोग इस स्टेप का यूज़ करके, आप लोग इस वेबसाइट का यूज़ करके 100% डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हो।